गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बिहार में देखते देखते आग का गोला बन गई पटना से छत्तीसगढ़ जा रही बस, दुर्घटना में 4 की मौत। बिहार में बीती रात से अभी तक कई सड़क दुर्घटनाएं हुई है, इनमें कई की मौत हो गई है। अरवल के NH 139 पर पटना से छत्तीसगढ़ जा रही एक यात्री बस अचानक आग का गोला बन गई। बीती रात से अभी तक राज्य के सिवान, सीतजामणी व पटना में तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहनों की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। बिहार शिक्षक नियुक्ति, 94,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व CET/ET परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में CET/ET पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है? अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के कई हिस्सों में बारिश बढ़ेगी ठंड। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ठंड और घने कोहरे के बीच अब बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है। दरअसल बिहार में ठंड और कोहरे के बीच होने वाली बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय रहना बताया जा रहा है। बारिश के बाद बिहार के सभी जिलों में ठंड में भी बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को भी राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों में धूप के साथ बादलों की आंख मिचौली जारी है। दिन के 11 बजे तक बिहार के अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकल सकी थी, वहीं हवा में भी ठंडक महसूस की गई है। किसान आंदोलन को लेकर महागठबंधन में दरार, कांग्रेस ने तेजस्वी को घेरा तो RJD ने किया पलटवार। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले सीट बंटवारे व मुख्यमंत्री चेहरा से लेकर अब तक इसकी एकता सवालों के घेरे में आती रही है। ताजा मामला नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का है। किसानों के समर्थन में हुए भारत बंद तथा इसके बाद सीन से गायब राष्ट्रीय जनतांत्रिका दल के नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सत्ताधारी राजनीतिक जनतांत्रिका गठबंधन तो घेर ही रही है। अब महागठबंधन में RJD के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी इशारों में ही सही तेजस्वी यादव से सवाल किया है। अस्पतालों के औचक निरीक्षण में बिहार में खुली स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल, सिविल सर्जनों की लगी क्लास। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों ने विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी, जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में एक्सरे व सिटी स्कैन की सुविधा व साफ सफाई की कमी पाई गई। इस निरीक्षण के फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर खूब फटकार लगाई। सिविल सर्जनों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने और अस्पतालों में साफ सफाई की सुविधा और व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा की समितियों के नए सभापति चुने गए, तेजस्वी सरकार तो नहीं बना पाए लेकिन RJD ने यहां मार ली बाजी। इस बार की बिहार सरकार में कई ऐसे चेहरे हैं जो फिर से मंत्री बनते नहीं दिखेंगे। इनका चांस करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं। इन्हें अलग पद और महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी दे दी गई है। पिछली सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे कई मंत्रियों को विधानसभा की समितियों का सभापति बनाया गया है। इनमें नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, विनोद नारायण झा, नरेंद्र नारायण यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल जैसे नेताओं के नाम शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा की 22 समितियां गठित कर दी हैं।
बिहार में मौसम के अनुकूल खेती की शुरुआत, अब साल में 3 फसल उगाएंगे किसान। बिहार में किसान अब साल में 3 फसल उगा पाएंगे, इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को की। पिछले साल 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बेहतर परिणाम आए थे। इस बार शेष 30 जिलों के भी 5-5 गांव में शुरुआत की गई। इसके साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में मौसम अनुकूल खेती विधिवत आरंभ हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभ आरंभ करते हुए कहा कि इससे किसानों को कम पूंजी में अधिक आमदनी होगी, फसल की उत्पादन लागत भी घटेगी। आज से बिहार के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र की होगी शुरुआत। एक ही छत के नीचे मिलेगी कई सुविधाएं। डाक विभाग की ओर से राज्य के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। मंगलवार को इसकी शुरुआत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। अगले मार्च तक 532 डाकघरों में इसे खोलने की योजना है। इन डाकघरों में बिजली बिल, गैस, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे। यानी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसके लिए CSC, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया और डाक विभाग के बीच MOU हुआ है। डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि पहले चरण में बिहार के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र की शुरुआत होगी। डाकघर शुरू से जनसेवा से जुड़ा हुआ केंद्र रहा है। जनसेवा केंद्र खुलने से लोगों को सहूलियत होगी। बिहार में 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि 23 नवंबर 2019 के पहले CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुरक्षित रखे फैसले को सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने इस मामले में फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 12 जून 2020 को जारी अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बिहार में नेशनल हाईवे की 3 बड़ी सड़क की परियोजनाएं इसी माह पूरी होंगी। सड़क के 3 अहम परियोजनाएं इसी महीने पूरी होंगी। पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर व सीतामढ़ी जिले की इन सड़क परियोजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन सड़कों के पूरा होने से पटना सहित चारों शहरों में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। न केवल इस इलाके के लोगों को बल्कि बिहार से झारखंड जाने में भी सुविधा होगी। पूरी होने वाली ये तीनों सड़क परियोजनाएं नेशनल हाईवे की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार में फिर टला मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बीजेपी प्रस्ताव दे तब तो हो फैसला। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी अनिश्चितता का माहौल कायम है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का मामला ठंडा पड़ गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का गेम भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया तथा कहा कि इसमें विलंब के पीछे बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आना है। बीजेपी के प्रस्ताव देने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। खास बात यह है कि उन्होंने केवल बीजेपी का नाम लिया, जबकि NDA में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एवं विकासशील इंसान पार्टी भी है। सीएम नीतीश की घोषणा पर अमल, ग्रेजुएशन पास छात्राओं को जल्द मिलेंगे 50,000 रुपए। विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि यदि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस घोषणा पर अब अमल करते हुए जल्द ही छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा 100 करोड़ रुपए की राशि अधिक बांटी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर बिहार के शहरी निकाय एक बार फिर कचरा प्रबंधन के फेर में फंसेंगे।
बिहार के तमाम शहरी निकाय फिर सूखे और गीले कूड़े के फेर में फंसेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे पहले इसी बिंदु पर परीक्षण होना है। उनकी स्वच्छता रैंकिंग तय करने में यही कचरा प्रमुख कारक बनेगा। सिर्फ सूखा गीला ही नहीं, घातक कचरा भी इसमें शामिल है। कचरे को हर हाल में अलग किया जाना है, मगर राज्य के शहरी निकायों के बड़ी संख्या में वार्डो में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्ष 2021 की स्वच्छता परीक्षा करीब है, अंतिम तिमाही चल रही है। जनवरी से जनता के फीडबैक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देश भर के शहरी निकायों की स्वच्छता रैंकिंग जारी हो जाएगी। राज्य के शहरी निकायों का प्रदर्शन बीते वर्षों में अच्छा नहीं रहा, खासतौर पर बीते साल तो हालत बेहद खराब थे। इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जो मानक तय किया है, उसमें पहली बिंदु ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और उसको अलग अलग किए जाने से संबंधित है। राज्य में 142 शहरी निकाय हैं, इनमें 3,500 से अधिक वार्ड हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।